ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससीएस पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पूर्व में हम लोग जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉलोनियलिज्म के क्या क्या इम्पैक्ट थे, क्या क्या प्रभाव थे या फिर क्या प्रभाव पड़े थे उस समय में, उस काल में। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने देखा स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब हम लोग देख रहे हैं कि थ्योरीज ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट व्यू कह सकते हैं, या फिर इंडियन नेशनलिस्ट जितने भी थे उस काल में, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता कह सकते हैं सेनानियों का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका परिप्रेक्ष्य, उनके विजन्स, उनके प्रस्पेक्टिव, उनके परसेप्शंस किसके ऊपर, तो उपनिवेश बात के ऊपर। इसके पूर्व में हम लोगों ने देखा कि थ्योरीज ऑफ कॉलोनियलिज्म का क्या क्या कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू था वेस्टर्न थिंकर्स का, वेस्टर्न स्कॉलर्स का, जितने भी वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उसका हम लोगों ने जिक्र किया, उनके क्या क्या कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू था थ्योरीज ऑफ कॉलोनियलिज्म, मतलब कह सकते हैं कि उपनिवेश बात के ऊपर उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंडियन नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब भारत के जितने भी लोग थे, इंडियन सिटीजन्स थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके क्या क्या कह सकते हैं कि व्यू थे, पॉइंट ऑफ व्यू थे इस उपनिवेश बात के ऊपर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, जो प्रखर राष्ट्र के वक्ता होते थे उस समय के, और कह सकते हैं कि उसमें दादा भाई नौरोजी हो गए, महादेव गोविंद रानदे हो गए, रोमेश चंद्र दत्त, जिसको आरसी दत्त शॉर्ट फॉर्म में, आज भी इनकी बुक अवेलेबल है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वगैरह में। तो इसमें है कि नेशनलिस्ट इन इंडिया इन देयर स्कॉलरी राइटिंग ऑफर्ड अ शार्प एंड टेलिंग क्रिटिसिज्म्स ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया, मतलब जितने भी प्रखर राष्ट्रवादी थे उन्होंने अपने लेखन में, अपने कह सकते हैं राइटिंग्स में, एक कह सकते हैं शार्प एंड टेलिंग क्रिटिसिज्म, आलोचना करते हैं कॉलोनियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया का, मतलब उपनिवेश बात का या फिर औपनिवेशिक जो शासन काल रहा ब्रिटेन का, उसकी जो आर्थिक कह सकते हैं कि प्रभाव भारत पर पड़ा उसका उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना किया है किसका, तो उस औपनिवेशिक तमाम सत्ताएं का, चाहे पुर्तगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो या फिर ब्रिटेन हो, तो इन तमाम लोगों ने जिस प्रकार से भारत को लूटा है, जिस प्रकार से यहाँ की धन संपदा का वेल्थ ऑफ ड्रेन, मतलब कह सकते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया से हुआ है, तो इस चीजों को देखते हुए आर्थिक जो हानि उठानी पड़ी भारत को, इसलिए राष्ट्र के प्रखर वक्ताओं ने या फिर नेशनलिस्ट राष्ट्रीय राष्ट्रवादियों ने कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म के ऊपर एक कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिटिसिजम्स किए हैं। तो इसके प्रखर राष्ट्रवादी हम लोगों ने बता ही दिया, दादा भाई नौरोजी साहब बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, राष्ट्रभक्त महादेव गोविंद रानदे, सोमदत्त, आरसी दत्त एंड मेनी अदर्स, और बहुत सारे कह सकते हैं कि राष्ट्रवादियों ने, हु डेवलप्ड अ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिस्ट एनालिसिस, जिन्होंने एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिस्ट एनालिसिस, मतलब राष्ट्रीय विश्लेषण जो कि अर्थव्यवस्था का करता था, उसे वो डेवलप्ड किए, विकसित किए, विच हाईलाइटेड सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस अंडर ब्रिटिश रूल, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को उस वक्त आर्थिक परिदृश्य के या फिर आर्थिक नजरिए के तौर पर, जब भारत उस चीज को अनुभव कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था अंडर ब्रिटिश रूल में, जो ब्रिटिश शासन काल में था, उस चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया, उजागर किया। आगे है द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, सब लोगों को मालूम है एक फेमस कॉन्सेप्ट है, फेमस थीसिस है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उससे सोने की चिड़िया को अंग्रेजों ने लूटा है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इवॉल्व इन द राइटिंग ऑफ नौरोजी एंड दत्त, दादा भाई नौरोजी एंड आरसी दत्त के द्वारा जो उनके राइटिंग्स में, उनके लेखन्स में यह जो कॉन्सेप्ट आया ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, वह इवॉल्व हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ, मीन्ट द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम द 18th सेंचुरी इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड लूट, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ था कहाँ से, भारत से, भारत की संपदा को लोग लूट कर, लोग क्या, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश के लोग, पुर्तगीज के लोग, डच के लोग और फ्रेंच के लोग, और कह सकते हैं कि यूरोपियन जितने भी लोग थे, वह लुटेरे के रूप में भारत की संपदा को लूट कर
जो है वह खसोट कर जो है वो अपने देश ले जाते थे, और इलिसिट गेन्स बाय सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ब्यूरोक्रेटिक लोग थे, जितने भी नौकरशाह थे, जितने भी वर्कर्स थे, वह भी जहाज में भर भर के भारत से सोना चांदी हीरे जवाहरात वहां से ले जाते थे। आगे है इनकम डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द टैक्सेशन ऑफ द इंडियन पीपल, और तो और जितने भी टैक्स के रूप में, कर के रूप में जो है भारत की संपदा को भी भारत से लूटा गया। आगे है इंटरेस्ट एंड अ प्रॉफिट एंड अ कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड ऑन द प्राइवेट अकाउंट, और इतना ही नहीं, जितने भी इंटरेस्ट थे, जितने भी प्रॉफिट थे, वह तमाम जो कैपिटल्स थे, तमाम जो पूंजी था, वह ट्रांसफर किया जाता था इंडिया के अकाउंट से इंग्लैंड के अकाउंट में, और प्राइवेट अकाउंट में जितने भी यहाँ के कर्मचारी और ब्यूरोक्रेसी वगैरह होते थे, या फिर वर्कर्स वगैरह जो, या फिर वाइसराय वगैरह हो गए, जितने भी लोग थे जो कि ब्रिटेन के लोग यहाँ काम करने आते थे, तो उन लोगों के अकाउंट में, पर्सनल और प्राइवेट अकाउंट में यहाँ से धन और संपदा का, कह सकते हैं, वहाँ ट्रांसफर किया जाता था। आगे है ड्रेन इन दिस डिफरेंट फॉर्म्स इम्प्रोविज्ड दिस कंट्री एंड इंक्रीज द इकोनॉमिक गैप बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, यही जो है कि संपदा का लूट खसोट जो है भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, और इसी प्रकार से इंडिया और ब्रिटेन में, या फिर कह सकते हैं इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में, या फिर भारत और इंग्लैंड के बीच में एक जो कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से एक खाई बना दिया, एक गैप क्रिएट कर दिया। आर्थिक परिदृश्य से भारत गरीब होते जा रहा था और इंग्लैंड अमीर होते जा रहा था, तो इसका कह सकते हैं कि योगदान जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और कह सकते हैं कि उन तमाम लुटेरों का था जो कि भारत से धन संपदा लूट कर जो है अपने देश ले जाया करते थे, और इंग्लैंड के जितने भी निवासी आते थे वह आते ही इस उद्देश्य से थे, उद्देश्य से भारत में काम करने की, अधिक से अधिक धन यहाँ से लूट कर और जल्द से जल्द वहाँ जाकर अमीर बन जाए, और यहाँ से कह सकते हैं कि, और मोर ओर लेस कहा जाता है कि इंग्लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही हुआ। भारत में जैसे जैसे धीरे धीरे उद्योग धंधा को अंग्रेजों के द्वारा चौपट किया गया, चाहे कर लगाकर या फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, और ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होते गया। आगे है ब्रिटिश रिजीम ब्रॉट अबाउट अ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड द प्रोसेस दैट इन मोर रिसेंट टाइम्स हैज बीन कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने पहले ही कहा, जितने भी लघु छोटे मध्यम उद्योग थे, कारखाने थे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे इंडिया में, वो सब को कह सकते हैं कि बंद करना पड़ा, या ऐसी स्थिति ला दी गई कि भारत में जो है मैन्युफैक्चर गुड्स की भरमार कर दिया गया, यहाँ फ्री ट्रेड के जरिए कह सकते हैं कि हस्तक्षेप की नीति के द्वारा, लेजी फेयर के नीति के द्वारा जो है तमाम जो है कर की व्यवस्था में इंग्लैंड के मैन्युफैक्चर गुड्स को, प्रोडक्ट को यहाँ छूट दिया गया फ्री ट्रेड के जरिए, और कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो उसका जो है बिना कर और बिना रेवेन्यू के वो अपना माल को भारत के बाजार में सप्लाई करते थे और कम मूल्यों पर बेचते थे, और जिससे कि जो है इंडियन जितने भी छोटे छोटे लघु उद्योग वगैरह थे वह सब के सब चौपट हो गए, और कह सकते हैं कि सबको कह सकते हैं एक ऐसी जर्जर हालत में आ गया कि उस सब सारे कह सकते हैं वर्कर्स वगैरह इससे प्रॉफिट नहीं कमाने की वजह से अब सारे छोटे मोटे कर कारखाने जितने भी थे उसे बंद करने पड़े। तो इसे अभी के पीरियड में इसे एक टर्म कहा गया है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इस प्रोसेस के आधार पर जो है ब्रिटेन ने किस प्रकार भारत को तबाह किया। आगे है इसमें देखिए, मैंने पहले ही बोला फ्री ट्रेड और लेजी फेयर की नीति, मतलब फ्री ट्रेड मतलब कोई भी वहां का ट्रेड, भारत और ब्रिटेन के बीच में कोई कर की व्यवस्था नहीं थी, मतलब ब्रिटेन का कोई भी गुड्स भारत के बाजार में खुलेआम बेचा जाता था बिना कोई कर और लगाए हुए, इंपोर्ट ड्यूटी लगाए हुए, और हस्तक्षेप की नीति जो थी, उसमें था कि वहां के बिजनेस करने से, या फिर वहां के बिजनेसमैन के साथ, वहां के ट्रेडर्स के साथ, वहां के मर्चेंट के साथ कोई भी ट्रेड करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है जी। एंड द ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और जो कह सकते हैं औद्योगिक नीति जो अपनाई गई, विच स्टाइफल्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश इंडिया, जो कि ऐसी जो नीति अपनाई गई, चाहे फ्री ट्रेड की नीति हो और हस्तक्षेप की नीति हो, टैरिफ और इंडस्ट्रियल औद्योगिक नीतियां जो लाई गई, इस तमाम चीज़ों के
कह सकते हैं बदौलत भारत के जितने भी उद्योग धंधा थे सबके ग्रोथ और विकास में बाधा उत्पन्न किया और सारे के सारे उद्योग को चौपट कर दिया। आगे कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकम द एग्रीकल्चरल फार्म ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड एज दैट इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब जो है भारत जो है एक एग्रीकल्चर फार्म के रूप में, मैंने पहले ही बताया इंडिया से जो है, अगर आप सेकेंड स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि किस प्रकार से भारत से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था और फिनिश्ड गुड इंपोर्ट होता था। तो इन सब चीज़ों के आधार पर आप जान सकते हैं कि किस प्रकार भारत के नेशनलिस्ट उस वक्त, चाहे आर सी दत्त हो या फिर रामदेव हो या फिर जितने भी प्रखर वक्ता थे, राष्ट्रीयवादी थे, उन्होंने किस प्रकार से इस चीज़ों को समझा और आम जनता को जागरूक किया कि इंडियंस के रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ जबरदस्ती चाय की बागवान की खेती करवाई जाती थी, नील की खेती करवाई जाती थी और यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके और फिनिश्ड गुड को फिर भारत के ही मार्केट में अधिक से अधिक दामों में बेचा जाता था ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। आगे है डिपेंडेंट टोटली ऑन इंडस्ट्रियल सप्लाईज फ्रॉम इंग्लैंड, और यह पूरी तरह से जो है इंडस्ट्रियल जो सप्लाई था, जो फिनिश्ड गुड्स थे, जो कह सकते हैं कि माल तैयार होके आते थे ब्रिटेन से, उसी पे अब भारत जो है पूरा का पूरा आश्रित रहने लगा। अगला पॉइंट है कि टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज क्रिटिसाइज्ड, और जो टैक्सेशन एग्रीकल्चर के ऊपर इतनी कर लाद दी गई, इतनी रेवेन्यू उससे कलेक्ट किया जाता था जो कि जो है भारत के राष्ट्रवादियों के द्वारा इसकी भी कड़ी आलोचना की गई भाई आर सी दत्त। बर्डन ऑन लैंड रेवेन्यू वाज एक्सेसिव, अधिक मात्रा में जो है टैक्स वसूला जाता था। यूं कहूं तो किसानों का खून जो है वह ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा चूसा जाता था। काउज ऑफ फ्रीक्वेंट रिकरेंस ऑफ फेमिनेंस इन इंडिया, कहने का मतलब है भारत में जितने भी सुखाड़ वगैरह, अकाल वगैरह जितने भी आए, वह सब यही वजह से था कि अधिक से अधिक कह सकते हैं कि यहाँ से लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जिससे कि भारत के जितने भी छोटे मोटे किसान होते थे उनकी कह सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं होता था, वो कृषि में अधिक से अधिक इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। अगर कर नहीं दिया जाता था तो उनके ज़मीनों को, उनके प्लॉट को बेच दिया जाता था, एग्रीकल्चरल लैंड को की नीलामी कर दी जाती थी, जिससे कि कह सकते हैं कि भारत के तमाम गरीब जो है और गरीब होते चले गए, तमाम जो किसान है वो अब लैंडलेस फार्मर होने लगे, एक मजदूर के रूप में वह काम करने लगे। तो वेल्थ ऑफ कंट्री साइड ट्रेंड अवे थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी, एक जो रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी था उनके द्वारा जो अधिक से अधिक कर की कह सकते हैं कि बोझ लाद कर अधिक से अधिक पैसा जो है वसूला जाता था, जबरदस्ती उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, अगर नहीं देते थे उनके धन और घर की नीलामी कर दी जाती थी। तो इस कह सकते हैं प्रोसेस और विधि के द्वारा जो है अंग्रेज जो है अधिक से अधिक मुनाफा कमाया करते थे। आगे है मेकिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ फार्मिंग सो प्रिकारियस डैट द फार्मर्स कुड नॉट विदस्टैंड फेलियर्स ऑफ रेन एंड अदर नेचुरल डिजास्टर। इतना कर ही वसूल लिया जाता था कि फार्मर्स के पास कुछ रहा ही नहीं जाता था, सिर्फ थोड़ा बहुत खाने के सिवाय, जिससे कि कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बिजनेस ना रह सका। कह सकते हैं कि वह इतना दयनीय स्थिति हो गया कि अगर कोई भी एकाध साल, जिसकी देखिए एग्रीकल्चर जो है एक नेचुरल फेनोमेनन पे आधारित है, किसी साल वर्षा होती है किसी साल नहीं वर्षा होती है, लेकिन आपके पास तो इतना धन स्टोर करके रखना चाहिए ताकि अगर किसी साल अकाल पड़ जाए तो उस साल हम अपनी जीवन यापन का निर्वहन कर सके, अपना पेट भर सके। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी इतना कर ही लाद दिया जाता था, इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाता था कि इतना मलगुजारी कलेक्ट कर लिया जाता था कि किसानों के पास कुछ नहीं रहता था। अगर एक या दो साल भी अकाल पड़ जाता था तो कई हजार लोगों की मृत्यु हो जाती थी उस अकाल में, उस भूखमरी में, उस आपदा में। तो इस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि और अधिक से अधिक कर वसूलने से कह सकते हैं कोई ऐसा पूंजी रह नहीं जाता था जिससे कि एग्रीकल्चर में री इन्वेस्ट किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे राष्ट्रवादी थे उस वक्त भी इन सब अंग्रेजों की पॉलिसीज को अधिक से अधिक क्रिटिसाइज की। अगला है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी द पुलिस एंड द अदर एपरेटस ऑफ द गवर्नमेंट। और तो और भारत के कृषि के विकास के लिए उनके पास धन या संपदा नहीं था, लेकिन आर्मी पे खर्च करने के लिए, पुलिस पे खर्च करने के लिए, ताकि वो अपने कॉलोनी को और बढ़ा सके और वृद्ध कर सके, इस पे खर्च करने के लिए उनके पास बहुत पैसा था। और ये कह सकते हैं तमाम इंडियंस के ऊपर कर की व्यवस्था करके ही कह सकते हैं इंडियंस के खून को चूस कर ही
या फिर इंडियंस से ही पैसा एक्सट्रैक्ट करके कह सकते हैं कि पुलिसिंग का और आर्मी और मिलिट्री का खर्च का कह सकते हैं कि वहन किया जाता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी हमारे जितने भी नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी थे इन सब चीजों से उनकी आलोचना करते हैं। आगे है एक्सपेंडिचर वाज सो एक्सेसिव दैट डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट वे नेग्लेक्टेड। और आर्मी मिलिट्री पुलिस वॉर और कह सकते हैं कि जितने भी युद्ध वगैरह पे इतना खर्च किया जाता था, इतना खर्च किया जाता था कि जितने भी विकास के और अदर जो कार्य हैं, जितने भी री इन्वेस्टमेंट के कार्य हैं, निवेश के कार्य हैं, उन सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। आगे फॉर एग्जाम्पल द लो एक्सपेंडिचर ऑन इरीगेशन वो कंट्रास्टेड शार्पली विद जेनरस एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द रेलवे। रेलवे पे खर्च करना हो, इंडियन आर्मी पे खर्च करना हो, या फिर मिलिट्री के ऊपर खर्च करना हो, और जितने भी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की चीजें थी उन पर खर्च करना हो, उन पे अधिक से अधिक खर्च किया जाते थे, खर्च करते थे अंग्रेज। लेकिन जो है सिंचाई का साधन की व्यवस्था करना हो, कृषि के बारे में कुछ करना हो, या फिर जनता के या आम जनता के वेलफेयर्स के मेजर्स कुछ लेने हो, या फिर यूं कहूँ तो डेवलपमेंटल विकास में कुछ निवेश करना हो, तो इन सब चीज़ों के प्रति जो है अंग्रेजों का रुझान नहीं होता था और इन सब चीज़ों पर वह ध्यान नहीं देते थे। और कह सकते हैं हमारे जो रेवेन्यू के पैसा थे वो अन्य और फिजूल कह सकते हैं या फिर आर्मी और मिलिट्री के ऊपर खर्च करके अपने कॉलोनियलिज्म का एक्सपेंशन करते थे और युद्ध लड़ते थे। इस प्रकार से भारत की कह सकते हैं आम जनता को निचोड़ा जाता था और कह सकते हैं कि लूटा जाता था, और एक्सट्रैक्ट करके अपने जो वेल्थ का क्रिएशंस करके वह कह सकते हैं अपने बैंकों में या फिर विदेश अपने कंट्री में भेजा करते थे। तो इट मे बी नोटेड, लेकिन यहां नोट करने वाली बात यह है कि द मोस्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म वॉइस्ड बाई बोथ दीज टू स्कूल्स, द यूरोपियन सोशलिस्ट एज वेल एज द नेशनलिस्ट इंडियन नेशनलिस्ट। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि यह जो कॉलोनियलिज्म था इसका क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से हो रहा है, एक तो भारत के तरफ से भी और ब्रिटेन या फिर यूरोपियन जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी वहां के इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी जैसे हॉब्सन्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ा या फिर हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से वेस्टर्न के थिंकर्स भी उन्होंने कैसे कैसे किस प्रकार से जो है इस उपनिवेश बात का कह सकते हैं कि आलोचना करते हैं। तो यह आलोचना दोनों तरफ से हो रहा है, इंडियंस नेशनलिस्ट तो कर ही रहे हैं क्योंकि भारत से ही लूटा जा रहा है, और यह आलोचना यूरोपियंस के कुछ स्कॉलर्स, कुछ थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल के द्वारा भी किया जा रहा है। तो बोथ स्कूल आर क्रिटिसाइजिंग दिस टाइप ऑफ कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म। सो दैट्स ऑल, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो वह आप तक पहुंच सके और नोटिफिकेशन भी जा सके। सो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल मगधपुत्र ड्रीम आईएएस। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।